त्योहारों पर दालों के दाम न बढ़े इसको लेकर सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है इसके पहले सरकार ने व्यापारियों मिलों और आयातकों को, को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए कहा था आपको बता दें कि अभी तक राज्यों में बासठ हजार मीट्रिक टन का स्टॉक घोषित हुआ है जो कि सरकार के अनुमान से काफी कम स्टॉक है वहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मौसम अच्छा होने से मसूर की फसल जोरदार बताई जा रही है वहां कई क्षेत्रों में जोरों पर फसल कटाई भी शुरू हो चुकी है इसे ध्यान में रखते हुए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की मसूर अक्टूबर नवंबर में बड़ी मात्रा में भारतीय बाजारों में उप दिखाई देने लगेगी देश के बड़े आयातकों द्वारा अक्टूबर नवंबर शिपमेंट के सौदे करना शुरू कर दिए हैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बाजार से निर्यातक कम भाव के साथ ही ऑफर दे रहे हैं मौके का लाभ लेते हुए बड़े व्यापारियों ने काफी सौदे कर लिए हैं इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई के कई बड़े व्यापारी पुरानी मसूर की बिकवाली करने के लिए मार्केट में उतर आए हैं स्थानीय बाजार में इसके चलते मसूर के दाम काफी टूटने लगे हैं वहीं दालों के रिटेल भाव पर नजर डालें तो इस समय तुअर दाल का भाव एक सौ रुपए प्रति किलो के आसपास दिखाई दे रहा है जो कि एक साल पहले एक सौ रुपए प्रति किलो था वहीं उड़द दाल के भाव की बात करें तो उड़द दाल का भाव एक सौ रुपए प्रति किलो के आसपास है जो कि एक साल पहले एक सौ रुपए था वही मूंग दाल एक सौ के आसपास अभी दिखाई दे रहा है जो कि एक साल पहले एक सौ के आसपास था वही मसूर दाल की बात करें तो सत्तानवे रुपए प्रति किलो के आसपास अब भाव दिखाई दे रहे हैं जो कि एक साल पहले छियानवे रुपए प्रति किलो के आसपास था ऐसे में माना जा रहा है कि अभी दालों की कीमतें त्योहारी सीजन में फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई नहीं देंगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी